नमस्ते एवरीवन, आई एम एडवोकेट उज्जवल दुबे। आई एक्सटेंड अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल हु इज वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम ऑल्सो वेरी मच डिलाइटेड एंड प्रिविलेज्ड इन प्रेजेंटिंग दिस वीडियो ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट लीगल टॉपिक, अरेस्ट ऑफ पर्सन, पावर्स ऑफ पुलिस, लीडिंग केसेस ऑल्सो, प्रोविजन्स ऑफ सीआरपीसी देयर ऑन। माई टॉक ऑफ टूडे इज मेनली डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स। इन फर्स्ट पार्ट आई विल डिस्कस वॉट आर द कोर्सेस ओपन टू अ पर्सन हु इज अग्रीव्ड, हु इज विक्टिम टू इनिशिएट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। दिस इज द फर्स्ट। सेकेंड पार्ट आई विल डिस्कस पावर्स ऑफ पुलिस, when it can arrest a person without warrant issued by magistrate. In third part, I will discuss what are the rights of arrestee, जिनको अरेस्ट किया गया है, जो विक्टिम है, उनके अधिकार क्या क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट के लीडिंग केसेस से, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं, उनमें उनके लिए क्या क्या अधिकार उन्हें दिए गए हैं? I will discuss it all. Firstly, I will talk about how to initiate a criminal prosecution. Criminal prosecution कैसे initiate करते हैं? An aggrieved person has mainly two courses open. It is very interesting. There is no need to mug up all those things by burning midnight oil. I am just explaining the things, and I request all the law students, just after hearing my talk, after hearing my lecture, just go through Bayer Act once and read the relevant provisions. You will have all the idea about. Firstly, how to initiate a criminal prosecution? A criminal prosecution start कैसे कर सकते हैं? जो person aggrieved है, जो victim है, जो पीड़ित है, जिसके साथ murder हुआ है, जिसके साथ kidnapping हुई है, जिसके साथ rape हुआ है, वो अपना कैसे कर सकता है? अगर पुलिस एफआईआर करने से मना कर दे तो उसके पास क्या कोर्सेस ओपन होते हैं? अगर पुलिस उसकी बात नहीं सुनती है तो उसके पास और दूसरे क्या मेजर्स हैं कि वो इनिशिएट कर सकता है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन को? तो सीआरपीसी सेक्शन 154 ये बताती है, इट स्टेट्स दैट एनी पर्सन मीन्स द पर्सन हु इज अग्रीव्ड पर्सन और विक्टिम कैन लॉज एन एफ आई आर ऑरली और इन राइटिंग टू पुलिस, और पुलिस को इन ऑल द कॉग्निजेबल केसेस हैज टू लॉज एन एफ आई आर। अब यहां पर यह प्रश्न है कि कॉग्निजेबल केसेस कौन कौन से हैं, नॉन कॉग्निजेबल केसेस कौन कौन से हैं? तो कॉग्निजेबल केसेस वो हैं जिनमें विच आर सीरियस ऑफेंसेस लाइक मर्डर, किडनेपिंग, रेप, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। And non-cognizable cases are those cases which are not serious offences, like section 403, dishonest misappropriation to a property. एक घोड़ा है, एक हॉर्स है, उसके दो ज्वाइंट ऑनर हैं, एक बंदा घोड़े हॉर्स राइडिंग के लिए ले गया और उधर से सेल करके उसको चला आया, तो इस केस में क्या पुलिस लॉज करेगी एफआईआर? अगर पुलिस ने लॉज करने से एफआईआर मना कर दिया तो क्या ये गलत है? जी हाँ, बिल्कुल, इसमें पुलिस एफआईआर लॉज नहीं करेगी, क्योंकि ये सेक्शन 403 आईपीसी का मामला है और ये नॉन कॉग्निजेबल केस में आता है। तो इसमें क्या अग्रीव्ड पर्सन के पास क्या ऑप्शन है इसमें? इन दीज केसेस, इन केसेस के में वो कंप्लेंट फाइल कर सकती है बिफोर मजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। लेकिन एक बात और है यहां पर, कंप्लेंट केसेस कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों केसेस में फाइल किया जा सकता है। एन अग्रीव्ड पर्सन कैन फाइल अ कंप्लेंट बिफोर मजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन कॉग्निजेबल केसेस एंड नॉन कॉग्निजेबल केसेस बोथ। व्हाई? बिकॉज सेक्शन 2D ऑफ सीआरपीसी ऑफेंस को डिफाइन करती है, उसमें वो ऑफेंस वर्ड जो यूज किया गया है उसमें कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल नहीं लिखा हुआ है। इसलिए अगर पुलिस एफआईआर लॉज करने से मना करती है तो अग्रीव्ड पार्टी के पास या विक्टिम के पास
कॉग्निजेबल केसेस में भी और नॉन कॉग्निजेबल केसेस में भी ये राइट होता है कि वो फाइल कर सकती है कंप्लेंट बिफोर मैजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. व्हाई? बिकॉज सेक्शन 2D ऑफ CRPC डू नॉट मेंशन कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, इट ओनली स्टेट्स ऑफेंस. उसके बाद अब ये है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट जिनके पास ये कंप्लेंट फाइल की गई है वो क्या करती है फिर उसके बाद एनी पर्सन अदर देन मजिस्ट्रेट उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है. जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको मैं बताता हूं, सपोज अ पुलिस ऑफिसर ही इज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर, अगर वो मर्डर का अक्यूज्ड है और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने मजिस्ट्रेट को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऑर्डर कर दिया, तो क्या वो ऑर्डर लीगल है, लीगली वैलिड है? नो, दैट इज नॉट लीगली वैलिड. या तो पुलिस कर सकती है इन्वेस्टिगेशन या अ पर्सन अदर देन मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट नहीं. आई वॉन्ट टू मैंशन हियर अ लीडिंग केस, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस भगवंत जोशी. इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस भगवंत जोशी, सुप्रीम कोर्ट हैज क्लियरली सेड दैट FIR इज नॉट अ प्री रिक्विजिट फॉर द स्टार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंस. इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए FIR का लॉज होना जरूरी नहीं है. पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है बिना FIR लॉज किए हुए भी. नाउ आई वॉन्ट टू मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट, विच इज वेन पुलिस कैन अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट. इट मीन्स पर्सन अगेंस्ट हुम क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड बाय पुलिस, कॉग्निजेबल ऑफेंस, रीजनेबल सस्पिशन, रीजनेबल कंप्लेंट. दीज फोर पॉइंट वेयर पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट अ वारंट, कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड फॉर दिस पर्पस. इस पर्पस के लिए कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब है क्योंकि अमेंडमेंट हो चुकी है CRPC में, अब इसमें 7 years या उससे ज्यादा की इम्प्रिजनमेंट जहां पर हो, डेट कम्स इन कैटेगरी ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस. इम्प्रिजनमेंट पनिशमेंट की ऑन डेट बेसिस, ठीक है. दूसरा पॉइंट है कि रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट, पुलिस के मन में ये रीजनेबल सस्पिशन हो पुलिस के अंदर कि इस ऑफेंस को इसी पर्टिकुलर व्यक्ति ने कमिट किया है. क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन अगेंस्ट हुम अ क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड, कोई विश्वसनीय स्रोत से ये पता लगा है कि इसने ये ऑफेंस किया है या फिर रीजनेबल कंप्लेंट किसी ने करी है. तो इन चार केसेस में, इन चार ग्राउंड्स पे पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट अ वारंट. दिस हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन अंडर सेक्शन 41 ऑफ CRPC. यहां पर मैं एक लीडिंग केस भी बताना चाहता हूं, विच इज मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार ये दिया गया है. इसलिए पुलिस या स्टेट अपने इस पावर का, जिसमें कि वो पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के, बिना जज के वारंट इश्यू किए हुए गिरफ्तार करती है, अरेस्ट करती है, तो वो जो प्रोसीजर हो वो फेयर हो, जस्ट हो और रीजनेबल हो. ये मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है. और मजिस्ट्रेट की भी ये ड्यूटी बनती है कि ये सारे जो प्रोसीजर्स हैं जो उसको फॉलो किए गए हैं या नहीं, उनकी कंप्लायंस हुई है या नहीं, जब अरेस्ट को चैलेंज किया जाए उनके मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, तो ये मजिस्ट्रेट की भी ड्यूटी बनती है, मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है एज पर द प्रोविजंस ऑफ CRPC कि वो इन चीजों को देखे कि जो अरेस्ट की गई है उसमें उन प्रोविजंस का, तो क्योंकि उन प्रोविजंस का उल्लंघन तो नहीं किया गया या फिर उन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग की गई है या नहीं. क्योंकि मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये बात क्लियर कही गई है कि बर्डन इज ऑन द पुलिस ऑफिसर टू सेटिस्फाई द कोर्ट. ये पुलिस ऑफिसर के ऊपर ये बर्डन है कि ही हैज द रीजनेबल ग्राउंड ऑफ सस्पिशन. अगर उसके पास, अगर पुलिस ऑफिसर को रीजनेबल ग्राउंड ऑफ सस्पिशन है तो ये उसको प्रूव करना होगा पुलिस ऑफिसर के सामने. अब कुछ और इलस्ट्रेशन से, कुछ उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं कि अरेस्ट विदाउट वारंट के केस में, कुछ केसेस में कैसे पुलिस ऑफिसर को जो ये पावर दी गई है कुछ और केसेस में. जैसे सपोज स्टेट ने किसी व्यक्ति को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अनाउंस कर दिया है कि वो व्यक्ति भगौड़ा है, ऐसा स्टेट ने अनाउंस कर रखा है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर उसको
कर रखा है, घोषित कर रखा है, तो उस केस में अगर सपोज पुलिस ऑफिसर ने बिना वारंट के उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया, तो क्या ये अरेस्ट इलीगल होगा या फिर उस अरेस्ट के अगेंस्ट रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस मेंटेनेबल होगा हाई कोर्ट में? रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस जो कि इलीगल डिटेंशन के अगेंस्ट फाइल की जाती है, क्या वो रिट मेंटेनेबल होगा? नहीं। यहां पर चूंकि स्टेट ऑलरेडी हैज अनाउंस दैट अक्यूज्ड एज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, तो इन दैट केस पुलिस हैज द पावर टू अरेस्ट हिम विदाउट वारंट। पुलिस को ये पावर है कि वो उसको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, और उस केस में अरेस्ट जो होगी वो इलीगल नहीं होगी। अब एक और पॉइंट है यहां पर, वन मोर पॉइंट हियर, कि पजेशन ऑफ एन इम्प्लीमेंट ऑफ हाउस ब्रेकिंग, इसको अमेंडमेंट के द्वारा अब हटा दिया गया है। अब इस केस में पजेशन ऑफ एन इम्प्लीमेंट ऑफ एन हाउस ब्रेकिंग, इसमें रीजनेबल सस्पिशन होने के बाद भी ये इसमें अरेस्ट नहीं कर सकती है पुलिस, क्योंकि ये अमेंडमेंट से इसको डिलीट कर दिया गया है। और डेजर्टर फ्रॉम आर्मी, एक जैसे सपोज कोई पर्सन है वो आर्मी का डेजर्टर है, तो उसका जो अरेस्ट है वो लीगल है, उसको भी अरेस्ट कर सकती है पुलिस बिना वारंट के। सेक्शन 41B जो 2008 की अमेंडमेंट हुई, उसमें ये बताया गया है, उसमें ये क्लियर किया गया है कि क्या प्रोसीजर्स हैं अरेस्ट के, क्या ड्यूटी है अरेस्टिंग ऑफिसर्स की, उन चीजों को उसको क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है। सो जस्ट गो थ्रू सेक्शन 41B ऑफ अमेंडमेंट एक्ट, कैपिटल बी, 41 कैपिटल बी ऑफ अमेंडमेंट एक्ट, राइट। नाउ द क्वेश्चन, नाउ अनदर क्वेश्चन हियर इज अरेस्ट होम मेड, सेक्शन 46 ऑफ CRPC में ये बताया गया कि कैसे अरेस्ट करेगी पुलिस। तो यहां पर जो एक सिग्निफिकेंट पॉइंट है वो ये है कि अरेस्ट ऑफ वुमेन से लेकर के, अरेस्ट ऑफ वुमेन को लेकर के क्या है कि नो पुलिस ऑफिसर शैल अरेस्ट वुमेन अनलेस पुलिस ऑफिसर इज फीमेल। जब तक पुलिस ऑफिसर फीमेल नहीं है, महिला पुलिस अधिकारी ही महिला को अरेस्ट करेगी। और आफ्टर सनसेट, सूर्यास्त के बाद, एंड बिफोर सनराइज, सूर्योदय से पहले उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट इन एन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस वेयर द वारंट फ्रॉम द लोकल मैजिस्ट्रेट इज टेकन। एक्सेप्ट की कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है, कोई ऐसा हीनियस क्राइम है, कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें कि उस वुमेन को अरेस्ट करना जरूरी है, अदरवाइज वो एब्सकॉन्ड हो सकती है, वो भाग सकती है उसको वो, तो उस केस में पुलिस लोकल मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेकर के उसको सनसेट के बाद भी अरेस्ट कर सकती है। बट नॉर्मली पुलिस कैनॉट अरेस्ट अ वुमेन आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। और सेक्शन 49 CRPC ये कहती है कि नो अननेसेसरी रेस्ट्रेंट, पुलिस उतना ही बल प्रयोग करेगी जितना पुलिस को करना जरूरी हो उसको अरेस्ट करने के लिए, उससे ज्यादा बल प्रयोग वो नहीं करेगी, ये सेक्शन 49 कहती है। उसके बाद का जो सेक्शन है सेक्शन 50, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसको अरेस्ट किया गया है, जो अरेस्टी है, उसको ये जानने का हक है कि पुलिस ने उसे क्यों अरेस्ट किया है, किस ऑफेंस को लेकर अरेस्ट किया है, ऑफेंस कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, उसको जो अरेस्ट किया गया है तो उसके अरेस्ट की इंफॉर्मेशन, इसमें आर्टिकल 22(1) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी यहां पर उसको भी ध्यान में रखा गया है। आर्टिकल 22(1) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहती है कि जो अरेस्टी है उसको उसके ग्राउंड्स का पता होना चाहिए, उसको कंसल्ट करने का अपने लीगल ऑफिसर्स को, एडवोकेट्स को, लॉयर्स को, उसको ये अधिकार होना चाहिए। तो यहां पर पुलिस को, अब इसमें एक केस जोगिंदर, दो लीडिंग केसेस हैं इसमें, एक केस है जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ UP और एक केस है, दूसरा केस है DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल। इन दोनों केस में जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी उसके बाद CRPC में अमेंडमेंट करके सेक्शन 50A इंट्रोड्यूस किया गया। अब एज पर सेक्शन 50A इट इज ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर टू मैंडेटरली इन्फॉर्म आइदर फ्रेंड और रिलेटिव और द नॉमिनी बाय द अरेस्टेड पर्सन अबाउट हिज अरेस्ट।
ये अब इन्फॉर्म करना होगा पुलिस ऑफिसर को, उस व्यक्ति को, चाहे उसके दोस्त को या फिर किसी व्यक्ति को जिसको अरेस्टी कह रहा है कि जिसको अरेस्ट किया गया, जिस व्यक्ति को, उसके रिश्तेदार को, उसको ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि इस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है और इस ग्राउंड पर अरेस्ट किया गया है। इवन पुलिस को ये भी बताना पड़ेगा कि उसको जिस ऑफेंस में अरेस्ट किया गया है वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। अगर बेलेबल है तो उसमें उसको बेल मिल सकती है, अगर नॉन बेलेबल है तो उसमें उसको बेल नहीं मिल सकती है। लेकिन अक्यूज्ड को अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए पुलिस ने अरेस्ट करा है तो पुलिस को ये बताना उसको जरूरी है कि आपको नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया गया है और इस केस में आपको, इस ऑफेंस के लिए आपको बेल का अधिकार है, आपको जमानत मिल सकती है। ये पुलिस को ये बात उसको इस चीज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। दिस इज मैंडेटरी, ये अनिवार्य है, इससे पुलिस मना नहीं कर सकती है। ये राइट है अरेस्टी का, ये राइट है उस व्यक्ति का, ये अधिकार है उस व्यक्ति का जिसको कि अरेस्ट किया गया है। इसमें दो लीडिंग केसेस है वो जरूर याद रखने हैं, एक है जोगिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी और एक है डीके बासु वर्सेस वेस्ट ऑफ बंगाल। उसकी जो गाइडलाइंस थी उसके बेसिस पर ही ये अमेंडमेंट हुई थी। ठीक है, अब एक इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है उसके लिए एक मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट है अंडर सेक्शन 57 ऑफ सीआरपीसी कि उसे मजिस्ट्रेट के सामने, उसे मैजिस्ट्रेट के सामने विद इन 24 आवर्स उसको प्रोड्यूस करना ही होगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो वो कस्टडी इलीगल हो जाएगी। दिस इज द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन्ड फॉर मोर देन 24 आवर्स। जिस भी पर्सन को पुलिस ने विदाउट वारंट कस्टडी में लिया है उसको वो 24 घंटे से ज्यादा अरेस्ट नहीं कर, 24 घंटे से ज्यादा के लिए उसको कस्टडी में नहीं रख सकती है, उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा। दिस इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। इसमें भी एक केस है, लीडिंग केस है, नीलबती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। ठीक है, इस केस में भी ये कहा गया है कि अंडर ट्रायल या कस्टोडियल पर्सन जो है उनका भी फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जो आर्टिकल 21 में जो राइट टू लाइफ, प्रीसियस राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी डिनाइड टू कन्विक्ट्स अंडर ट्रायल्स और अदर प्रिजनर्स इन कस्टडी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मीन्स जीने का अधिकार उतना ही उनको भी है जो अंडर ट्रायल है, जो कस्टडी में है, जो प्रिजनर है, जो कैदी है, उनको भी उतना ही अधिकार है जितना दूसरों को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 21 प्रोवाइड करती है। ये नीलबती बेहरा नीलबती बेहरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया है, सॉरी नीलबती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, नीलबती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा में ये सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। दीज ऑल आर द एंड डीके बासु के केस में गाइडलाइंस भी बताई गई हैं कि पुलिस ऑफिसर्स को क्या क्या मैंडेटरी है, क्या क्या फॉलो करना है और किस किस, और जो अब कॉन्स्टिट्यूशनल सीआरपीसी की जो अमेंडमेंट हुई है 2008 में, 2006 में, 2010 में, उसमें भी अलग अलग इंट्रोडक्शंस हैं उसके प्रोसीजर्स के बारे में, अरेस्ट के बारे में। तो इन सबको गो थ्रू करने पर एक क्लैरिटी आ जाएगी कि ये अरेस्ट ऑफ द पर्सन पुलिस कब कर सकती है बिना वारंट के, कब नहीं कर सकती है, कब। एक इसमें सेक्शन 76 को भी मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि सेक्शन 76 जो है वो प्रोसेस टू कंपेल अपियरेंस को लेकर के है। उस केस में अगर इसमें क्या है, एक एक्सेप्शन है कि अगर सपोज पुलिस ने किसी व्यक्ति को अरेस्ट, तो उस केस में क्या है कि अगर पुलिस अरेस्ट करती है इन एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट सेक्शन 76 सीआरपीसी आई एम एक्सप्लेनिंग। तो अगर सपोज कोर्ट जहां पुलिस ने अरेस्ट किया है और जहां कोर्ट है वहां के बीच का अगर डिस्टेंस अधिक है, सपोज वहां 24 आवर्स की जगह 30 घंटे लग जाते हैं लाने में, तो वैसे केसेस में इस एक्सेप्शन की वजह से जहां पर वो सेक्शन 76 इज अंडर द दिस इज नॉट अंडर द अरेस्ट, दिस इज अंडर द प्रोसेस टू कंपेल अपियरेंस, उस केस में वहां पर वो कस्टडी लीगल होगी अगर कोर्ट तक लाने का जो समय है वो 24 घंटे से ज्यादा है। और एक और एक वन वन मोर सिग्निफिकेंट पॉइंट हियर इज कि जीरो एफआईआर, कभी कई बार ये टर्म यूज करते हैं जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर एक्चुअली इज रिलेटेड टू ज्यूरिडिक्शन। समटाइम्स क्या होता है कि कोर्ट, पुलिस कहती है कि उसके पास ज्यूरिडिक्शन नहीं है, वो एफआईआर लॉज नहीं करेगी,
क्योंकि जो ऑफेंस हुआ है वो उसकी ज्यूरिडिक्शन में नहीं हुआ है, वो किसी और ज्यूरिडिक्शन में हुआ है, तो आप वहां के ज्यूरिडिक्शन का जो पुलिस स्टेशन है वहां पर आप एफआईआर फाइल कराइए। तो ऐसे केसेस में जो नजदीकी पुलिस स्टेशन है वहां पर जो एफआईआर, वहां पर जो वहां जो इंटीमेशन होती है उसको हम जीरो एफआईआर कहते हैं, वो जीरो एफआईआर वहां पर लॉज की जा सकती है। दीज ऑल अबाउट अरेस्ट, डिटेंशन, कंप्लायंस, पावर्स ऑफ पुलिस, वेयर कैन पुलिस, व्हाट आर द राइट्स ऑफ अरेस्टी, द लीडिंग केसेस। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग, आई एम इंडेटेड टू यू ऑल फॉर योर टाइम। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मुझे इनकरेज करने के लिए मेरा YouTube चैनल उज्ज्वल लीगल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे Facebook पेज उज्ज्वल लीगल को भी लाइक करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।